बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जरमीन और आप देख रहे हैं किचन विद जरमीन। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है इंस्टेंट मिक्स वेजिटेबल अचार। ये आप बनाकर फटाफट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप बनाएं फौरन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना आप जब अचार बनाते हैं तो तब हफ्ते का, दो हफ्ते का आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि कब जो है वेजिटेबल जो है गलेंगी और फिर हम जाके इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, आप लोग बनाकर फटाफट इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसको, और जब ख़त्म हो जाए तो आप लोग फटाफट से फिर से बना लें। तो ये बहुत ही आसान है। तो देखते हैं हमने ये इंस्टेंट अचार कैसे बनाया है और इसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरे दूसरे चैनल जमीन व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर दें, उस चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मिक्स्ड वेजिटेबल अचार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स ले ली है, सीजनिंग वेजिटेबल्स हैं, जो आप जिस सीज़न में भी अचार को बना रहे हैं उस सीज़न की जितनी भी वेजिटेबल्स हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कौन कौन सी वेजिटेबल्स ली है और कितनी मकदार में ली है तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 अदद गाजरें लिए, इसको इस तरीके से लंबाई में मैंने काट लिया है। एक मूली ली है, इसको भी मैंने इसी तरीके से लंबाई में काटा है। और चुकंदर लिया है, इसको भी मैंने इसी तरीके से लंबाई में काटा है। चुकंदर का आपको जैसे पता है कि खून बनाने में एक काम आता है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हर सब्ज़ी की अपनी गज़ाइत होती है, अपना टेस्ट होता है, अपना फ़ायदा होता है। तो इसलिए हर वेजिटेबल जो है अपना फ़ायदा रखती है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें। और यहाँ पे मैंने फूल गोभी ले लिया है, इसको मैंने इस तरीके से काट लिया, आधी मैंने ली थी। ये 1 कप के करीब यहाँ पे मैंने मटर ले लिया है। 10 अदद यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, इसको मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। 3 यहाँ पे मैंने नींबू लिया है, इसको 4 हिस्सों में मैंने काटा है। लहसुन और अदरक यहाँ पे मैंने ले लिया है, इसका आपको पता है जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, तो आप लोगों ने इसका लाजमी इस्तेमाल करना है। वैसे कोशिश आपने लाजमी करनी है कि आप इसे डालें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो वो आप पे है, डिपेंड करता। और बाकी जो मिसालें ली हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मिसालों में मैंने क्या क्या चीज़ ली है। तो मिसालों में हमने 1 टेबल स्पून सरसों के बीज लिए, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून यहाँ पे कलवंजी ली है, 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लाल मिर्च लिया है मोटी कुटी हुई, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सफ़ेद नमक, 1 टेबल स्पून काला नमक, और यहाँ पे मैंने येलो सरसों के बीज ले लिए 3 चम्मच 3 टेबल स्पून, और इसको मैंने पीस लिया है इस तरीके के थे, ये देखे इस तरीके के, तो इनको मैंने पीस लिया है। तो बस इतने ही मिसालों का हमारा इस्तेमाल होना है। तो चले अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉट को चूल्हे पे रख दिया है, इसके अंदर हम 2 कप जो है मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, यानी सरसों का तेल। इसे हम अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे, जब इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो डालेंगे। तो ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है चूल्हे की आग को, अब हम स्लो कर देंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून हींग डाल देंगे। हींग मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि अगर आपके पास है तो आप इसे डालें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप जो है कर सकते हैं। मैं ये इसको इसलिए इसके अंदर ऐड करी हूँ क्योंकि इसकी जो होती है खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और जो अचार का टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको इसके अंदर डाला है। अब इसके अंदर हम खुश्क मसालों को डाल देंगे और सिर्फ 2 मिनट तक हमने इन्हें फ्राई कर लेना है। दो मिनट हो चुके हैं, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और बाकी के मसाले इसके अंदर डाल देंगे ताकि वो जले ना। एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चूल्हा इस टाइम पे मैंने बंद किया हुआ है। अब सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल देनी है और जो सारा मसाला है इसके ऊपर लगा लेना है हमने।
अब अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला इसके ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। तो सारा मसाला मैंने वेजिटेबल्स के ऊपर अच्छे तरीके से लगा दिया। अब 3 टेबलस्पून जो हमने येलो सरसों के जो बीज थे वो पीस के रखे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे और दोबारा से चूल्हा ऑन कर देंगे। तो चूल्हा मैंने ऑन कर दिया, अब अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे हल्की आग पे अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि जो वेजिटेबल्स के अंदर एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा ड्राई हो जाए। अगर आप अचार को बहुत ज़्यादा खट्टा करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर टाटरी, आमचूर या सिरका डाल सकते हैं। वैसे आप ना ही डालें क्योंकि इससे गला ख़राब हो सकता है, तो इसलिए मैं ये नहीं डाल रही। और इसकी जगह पे मैंने जो येलो सरसों के जो बीज थे वो मैंने पीस के डाले हैं। इससे ये होता है कि लंबे अरसे तक जो हमारा अचार है वो स्टोर रहता है और इसमें खटास पैदा होती रहती है। तो देखिए अचार का पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद करके आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। जी तो बहुत ही मज़ेदार हमारा इंस्टेंट अचार बनके तैयार है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में डाल के रखें और जब आपका दिल करे आप निकालें और खाएं। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लंबे अरसे तक ही आपका स्टोर रहेगा और जब आपका ख़त्म हो जाए आप और बना लें इसको फटाफट से, क्योंकि आप जैसे बनाएंगे आप फौरन इस्तेमाल भी इसको कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये बनाना सिखाया। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की डिलीशियस सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।